मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सौगात जो कि नोएडा को दिया गया है उसकी खबर से सीएम योगी ने नोएडा को 2800 करोड़ रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके एक सौगात दिया जिसमें 1452 करोड़ रुपयों की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण करीब 1369 करोड़ रुपयों की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। सेक्टर 38 ए बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास में 580 करोड़ की मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन हुआ। इस पार्किंग में करीब 7000 कारें खड़ी हो सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए नोएडा को बड़ी सौगात दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा था, जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे, किस तरीके से नोएडा वासियों के लिए एक बड़ी खबर, नोएडा के लोगों के लिए किस तौर पर ये तमाम सुविधाएं किस तौर पर उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। और मल्टी लेवल कार पार्किंग बोटानिकल गार्डन के पास में सेक्टर 148 में 400, 220, 132, 33 और दूसरी स्थिति में सेक्टर 39 में जिला संयुक्त अस्पताल का निर्माण, साथ ही साथ में कई सारी ऐसी सुविधाएं जिसको लेकर के नोएडा के लोग जरूरत महसूस कर रहे थे। उन तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए ये तमाम बड़ी सौगातें जो कि योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को दी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के अपने दौरे में नोएडा पहुंचे। सबसे पहले रविवार को उन्होंने नोएडा के सेक्टर 108 स्थित कमिश्नर दफ्तर का उद्घाटन किया। उसके बाद सोमवार सुबह उन्होंने नोएडा की करीब 2821 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद योगी यहां से रवाना हुए हैं। उनका कहना था कि जल्द ही नोएडा वासियों को ये सभी परियोजनाओं का लाभ मिलेगा और नोएडा का नाम देश और विदेश में एक बार फिर नए आयाम स्थापित करेगा। नोएडा से गिरीश नारायण।